तो गाइस हॉल ऑफ फेम 2024 में ब्रेवाइट भी इंडक्ट हो सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ऐसे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि ब्रेवाइट एक्सपेक्टेड हैं 2024 के हॉल ऑफ फेम इंडक्ट के लिए। और अगर ऐसा होता है तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का डिसीजन होगा WWE का, क्योंकि ब्रेवाइट की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। ब्रे वाइट के जाने के बाद भी ब्रे वाइट को काफ़ी ज़्यादा मिस किया जाता है, और मैं ख़ुद काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ ब्रे वाइट को, क्योंकि ब्रे वाइट जैसा WWE में कोई भी सुपरस्टार नहीं है और ना ही कोई आ सकता है। ब्रे वाइट की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, ये सब तो हम अच्छे से जानते हैं। ब्रे वाइट जैसा सुपरस्टार WWE में एक ही था जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सैड न्यूज़ है, लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि हॉल ऑफ फेम 2024 में ब्रे वाइट को WWE इंडक्ट करेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट डिसीजन है WWE का। और गैस जो दूसरी अपडेट है वो यानी कि गुंथर के बारे में है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के लिए। दरअसल मैंने 40 में हमें गुंथर का अपोनेंट कौन देखने को मिलने वाला है इसके बारे में भी एक रूमर्स आ रहा है, यानी कि रूमर्स नहीं मेरी प्रेडिक्शन है ये कि समी ज़ेन बन सकते हैं गुंथर के नेक्स्ट अपोनेंट, या समी ज़ेन या फिर चैड गेबल, क्योंकि ये दोनों में से एक सुपरस्टार होगा जो गुंथर को फेस करेगा रेसलमेनिया 40 में इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के लिए। और इन दोनों सुपरस्टार में से एक होगा लास्ट में, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फिर देखते हैं समी ज़ेन होते हैं या फिर चैड गेबल। मेरे ख्याल से समी ज़ेन को होना चाहिए, क्योंकि समी ज़ेन को भी एक मौका मिलना चाहिए WWE टाइटल के लिए। लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो चैड गेबल के हैं, क्योंकि समी ज़ेन पहले भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप को जीत चुके हैं। तो ऐसे में WWE ये चाहेगी कि वो कुछ न्यू ट्राई करें, और चैड गेबल उनके लिए बेस्ट डिसीजन हो सकता है। तो फिर देखते हैं WWE का क्या डिसीजन होता है, तो फिर इंतज़ार करते हैं। और कैसे लास्ट एंड फाइनल अपडेट है वो कल के स्मैकडाउन के बारे में। कल के स्मैकडाउन में तो काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिलने वाला है, तो आप लोग कल के स्मैकडाउन को बिल्कुल भी मिस मत करना, स्पेशली द रॉक और रोमन रेंस के सेगमेंट को, क्योंकि इस सेगमेंट में हमें चारों सुपरस्टार फेस टू फेस देखने को मिलने वाले हैं, और इन चारों के दरमियान हमें लास्टमी फाइट भी देखने को मिलेगी। तो फिर देखते हैं कल के स्मैकडाउन में हमें इन चारों सुपरस्टार के दरमियान क्या देखने को मिलता है और क्या नेक्स्ट स्टेप होता है। तो गाइस बस आज के इस वीडियो में यही तीन अपडेट थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमेशा की तरह लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर लास्ट में कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।